हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे पास जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रांजिट कार्ड, मेट्रो कार्ड या फिर अदर शॉपिंग कार्ड जो होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं? कहने का मतलब है टच करते के साथ ही ये कैसे अपना जो है काम को कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि ना इनमें कोई बैटरी होती है, ना हम इनको कभी चार्ज करते हैं। तो आखिर इनमें ऐसा क्या होता है, इनको टच करने के साथ ही पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाती है? अगर मेट्रो हम जा रहे हैं तो मेट्रो का दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो आज की वीडियो में गाइस इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है यार आपके अंदर कभी ना कभी क्यूरियोसिटी तो जागी होगी इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर में ऐसा क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ ये कार्ड जो है किस तरीके से काम करते हैं, इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इनको चार्ज करे बिना ये कार्ड किस तरीके से वर्क करते हैं। तो गाइस बने रहे हमारे साथ। सो गाइस, ये जो सारे कार्ड होते हैं, डेबिट, क्रेडिट, ट्रांजिट, शॉपिंग, मेट्रो कार्ड टोकन या फिर होटल्स की जो की होती हैं टच वाली या फिर अदर ऐसे कार्ड जो कि टच करने पे काम करते हैं, ये सारे एक ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और उसका नाम है RFID। फुल फॉर्म की बात यहाँ पे करें तो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये सारे कार्ड एक ही टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। हालांकि ये सिमिलर है NFC से, जो कि आजकल हमारे मोबाइल में देखने को मिल जाती है, बट NFC थोड़ा डिफरेंट है इससे। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे RFID के बारे में। तो देखो भाई, RFID के बेसिकली दो पार्ट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्या क्या? एक होता है RFID रीडर, जो कि एक डिवाइस होता है, एक गैजेट होता है, एक मशीन होती है जिस पे कि हम इससे के कार्ड जो होते हैं इसको टच करते हैं। दूसरा पार्ट होता है RFID टैग, जो कि हमारे इन कार्ड में होते हैं, मेट्रो के टोकन में होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी जो सारे कार्ड होते हैं उन सब में क्या होता है, ये टैग होते हैं RFID के, जो कि काफ़ी पतली सी एक लेयर होती है एक माइक्रोचिप की, जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि कार्ड कितना पतला होता है हमारा, इसमें आ जाता है एक पेज तक, जो हमारा कागज होता है ना उसमें भी आप उस टैग को लगा सकते हो, इतना पतला होता है ये RFID टैग, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इस RFID टैग के भी बेसिकली दो कंपार्टमेंट यहाँ पे होते हैं। ये जो होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं माइक्रोचिप, इसमें हमारा जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा जो है पेटीएम का ट्रांजिट कार्ड है, तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो किस में स्टोर है, वो इस वाले एरिया में स्टोर है। दूसरा पार्ट होता है इसका, ये होता है एंटीना। इसका बेसिकली काम होता है रीडर से कम्युनिकेट करना, RFID रीडर से कम्युनिकेट करना और RFID रीडर से पावर लेके डाटा को बेसिकली इस रीडर पर ट्रांसमिट कर देना। ठीक है, तो ये होता है RFID टैग का काम। अब बात आते हैं रीडर पे। तो रीडर जो होता है यही डाटा बेस से कनेक्ट होता है, सारा डाटा इसी के पास होता है। इसमें तो बस एक यूनिक आईडी होती है जो कि इसमें स्टोर होती है, और इस यूनिक आईडी के बेस पे सारा जो डाटा होता है वो डाटा बेस में स्टोर होता है। डाटा बेस से कनेक्टेड कौन होता है? रीडर यानी मशीन। तो जैसे ही इस कार्ड को, जो कि एक RFID कार्ड है, इसको हम RFID मशीन के जैसे ही पास छुआते हैं तो क्या होता है? तो होता कुछ ऐसा है कि ये जो RFID रीडर है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है, इसमें से वेव्स निकलती हैं। जो वेव्स निकलती है वो टच होती हैं सीधा RFID जो हमारा टैग था उससे। तो अब यहाँ पे जो इसमें एंटीना था ना, RFID का जो एंटीना बताया था मैंने, सेंटर वाला एरिया, वो क्या करता है, रीडर से हल्की सी पावर लेता है और जो माइक्रोचिप में जो डेटा था उस डेटा को इस एंटीना के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है रीडर को। अब रीडर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को रीड करता है और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है कौन? रीडर। तो आप उस दोबारा बस सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जो जो मेन चीज़ होती है ना वो रीडर में होती है। इसमें बस एक यूनिक आईडी होती है, एक छोटा सा डेटा होता है जो उसकी बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये जो जो टैग है या फिर जो कार्ड है वो किसका है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो सारी डाटाबेस पे होगी, जो कि रीडर के अंदर होगा। तो बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है, जैसे आप टच करते हो तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे एक पेज बन के आ रहा होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने इंस्टाग्राम की आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, उसका लॉगिन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है। तो इसको कुछ इस तरीके समझो कि ये हमारा इंस्टाग्राम का एक कार्ड है, समझ लो एक तरीके से।
अब क्या होता है कि इसमें हमारे इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड दोनों हमने स्टोर कर रखा है, और ये एक इंस्टाग्राम की रीडिंग मशीन है, RFID रीडिंग मशीन है यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से। इसमें मेरे आईडी पासवर्ड है, जैसे मैं टच करूँगा तो वो एंटीना क्या करेगा, मेरे आईडी और पासवर्ड को ट्रांसफ़र कर देगा किसको, उस रीडर को। वो रीडर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लेगा, डाटाबेस में चेक करेगा कि हाँ इस आईडी से कोई अकाउंट अवेलेबल है, अवेलेबल है, उसको लॉग इन कर देगा। तो जो बेसिकली जो हम काम मैनुअली करते हैं उसको ऑटोमेट कर देते हैं ये RFID कार्ड, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि ये बहुत नियर बाय में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार्ड यहाँ पर है तो कोई रीडर उसके पास बहुत दूर है तो वहाँ पे काम हो जाएगा, बिल्कुल जो टच करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है, डैट्स वाई इनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, शॉपिंग कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड में यूज़ किया जाता है। और सिर्फ कार्ड में ही नहीं, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, होटल में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये RFID कार्ड किस तरीके से काम करते हैं। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ कि आप समझ गए हो, और आपके मन में कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और चैनल पर न्यू आ गए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।